देना चाहूँगा कि आगे के आपका जो है एग्जाम सारे ही इंटर वाले हमारे स्टूडेंट्स का और टेंथ वालों का बहुत अच्छा गुजरे, और पहले से ही हमारे सर ने जो है सब कुछ कह दिया है, लेकिन आज जो है हमारे सामने ये खुशी और दुख दोनों तरह का मौका है। दुख तो वो इसलिए है कि जिन स्टूडेंट्स के साथ हम पूरे साल और जो है कई कई साल से टीचर्स ने जो है मेहनत की है, तो वो स्टूडेंट्स हमसे जो है अब विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं, हमको जो है फेयरवेल कर रहे हैं हमको, तो वो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए दुख का विषय है। और दूसरी बात खुशी इस बात की है कि ये जो सारे स्टूडेंट जा रहे हैं ये एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो हम इसलिए यही शुभकामनाएं इनको देते हैं कि ये हमारे स्कूल के साथ साथ अपना अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हमारे जो है दिल से इनके लिए ये दुआएं हैं। एक गजल की जो है फरमाइश हो रही थी, हालांकि मेरी आवाज खराब हो रही है, लेकिन फिर भी जो है कुछ अशार मैं उसके सुना दूंगा। ये बहादुर शाह जफर की एक गजल है जो उन्होंने जब उनको जो है रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने, लास्ट टाइम उनका था, उस वक्त में जेल में रहते हुए उन्होंने ये गजल पढ़ लिखी थी। उसके कुछ अशार हैं, उर्दू ज्यादा है इसलिए हो सकता है स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत हो, लेकिन जिनकी समझ में आएगी बहुत ही अच्छे अल्फाजों के साथ ये गजल लिखी गई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहुंचा दूं उसी अंदाज में। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में, बुलबुल को पास मास न सैयात से गिला, बुलबुल को पास मास न सैयात से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में, इन हसरतों से कहें तो कहीं और जा बसे, इन हसरतों से जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है साद माँ, एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है साद माँ, कांटे बिछा दिए है दिले लालजार में, कांटे बिछा दिए है दिले लालजार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। थैंक यू सो मच।